कल होने वाली है विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में होगी बैठक और मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा होनी है। संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा संभव है। वहीं बैठक में प्रदेश में मॉनसून की स्थिति पर भी चर्चा की जा सकती है। निकाय में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। तो कल विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक होगी और इस पर किन किन चीजों पर समीक्षा की जाएगी वो जानकारी भी मैं आपको दे दूं। मॉनसून सत्र की तैयारियों की होगी समीक्षा, क्योंकि 22 जुलाई से विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। तो वहीं संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा संभव है और बैठक में प्रदेश में मॉनसून की स्थिति पर भी चर्चा होगी। निकाय में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, उस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अहम बैठक है और कल तमाम मंत्री बैठने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंत्रालय में बैठक होने वाली है। समय जल्द जारी कर दिया जाएगा कि कब ये बैठक होगी, लेकिन 5 अहम फैसले इस पे लिया जा सकता है और 5 अहम बिंदु है, मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती नजर आएगी। सबसे पहली जो चर्चा है वो मॉनसून सत्र को लेकर होगी कि मॉनसून सत्र की तैयारी किस प्रकार से है। दूसरा, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चर्चा होगी कि नगरीय निकाय चुनावों पर जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाया जाना है उसको लेकर क्या तैयारी है, विधेयक को भी मंजूरी दी सकती है। तीसरा, मानसून चल रहा है, मानसून में कम बारिश हुई है, ऐसे में जो लगभग 35 से 40 तहसील है जो कि कम बारिश के तहत जो है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। चौथा, मानसून में खाद बीज की उपलब्धता, क्योंकि खेती किसानी का समय शुरू हो गया है, रोपाई का काम किया जा रहा है, तो चौथा उस मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा पांचवा, कई और विधेयक जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और उन विधेयक को भी मंजूरी जो है वो अभी कैबिनेट विस्तार हुआ है रोहित, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले इसी तरीके की खबरें आ रही थी लेकिन उस पर विराम लग गया। तो इस कैबिनेट बैठक में क्या उस पर भी कोई चर्चा संभव है? बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि, अहम मुद्दा रहने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास अभी संसदीय कार्य मंत्री नहीं है और बिना संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा के सत्र में दिक्कतें हो सकती हैं, विपक्ष को भी दिक्कतें हो सकती हैं, सत्ता पक्ष को भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती 22 जुलाई से पहले संसदीय कार्य मंत्री बनाने को लेकर है। तो इस कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर भी चर्चा किया जा सकता है, या फिर नए मंत्री बनाए गए तो किसको संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपना है, पुराने जो वरिष्ठ मंत्री हैं क्या उनको संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपना है, तो वो तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कल बड़ी बैठक है और कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जी, बड़ी बैठक रहने वाली है, कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है, फिर चाहे मॉनसून को लेकर तैयारियां हो या फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए।